लालू के घर में महाभारत। जी हाँ, महाभारत यह शब्द हिंदुस्तान के ऐतिहासिक वजूद पर एक कलंक की तरह कुछ ऐसा चस्पा है जिसकी चर्चा करते हुए आज भी समाज सहम जाता है। लेकिन इसका एक बड़ा ही सकारात्मक आध्यात्मिक पक्ष यह है कि उन कठिन परिस्थितियों में मौजूद भगवान कृष्ण के अस्तित्व ने युद्ध के मैदान से एक ऐसा दर्शन दिया जिसके दर्पण में जिसने भी एक बार मन से झांक लिया वो तमाम सांसारिक झंझटों से मुक्त हो गया। भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता गढ़कर यह संदेश देने का काम किया कि इस दर्शन से दोचार होने के बाद आने वाला समाज और सत्ता महाभारत जैसे स्थितियों के निर्माण से अपने आप को बचा सके। लेकिन विडंबना देखिए कि भगवान कृष्ण जैसे पूर्ण पुरुष के संदेशों का असर ना तो अहंकार में डूबे सत्तासीनों पर हुआ, ना ही स्वार्थ के सैलाब में गोते लगाता समाज पर। परिणाम स्वरूप इतिहास के दीवार पर एक से बढ़कर एक हिंसक लड़ाइयों की इबारत का खाका स्वार्थ और अहंकार की स्याही से खींची जाती रही। कहा जा रहा है कि आज फिर एक महाभारत अपने अस्तित्व में आ चुका है जिसकी चर्चा मीडिया से लेकर समाज खूब चटखारे ले लेकर कह रहा है। अब इसे समझिए कि समाज जिसे सामाजिक न्याय के मसीहा की संज्ञा देते देते थकता तक नहीं है, उसका अपना घर पारिवारिक न्याय के अभाव में बिखरने के कागार पर आ चुका है। विडंबना देखिए कि समाज को न्याय दिलाने का दंभ भरने वाले लालू प्रसाद आज अपने ही घर में छिड़े महाभारत को देख विवश हैं, मौन हैं, लाचार हैं। तो क्या इसे मान लें कि सामाजिक न्याय का पुरोधा ढंग से पारिवारिक न्याय भी नहीं कर पाया? आखिर तेज प्रताप को विद्रोह के लिए कौन विवश कर रहा है? बहरहाल थोड़ा पृष्ठभूमि को समझिए। उस महाभारत की पृष्ठभूमि में पिता को 100-100 पुत्र हुआ करता था, पर आज तो सामाजिक न्याय वाले पिता के पास सिर्फ 2 ही पुत्र हैं। उसके बाद भी विद्रोह से उपजा बवाल सवाल पे सवाल खड़ा कर रहा है। अरे भाई, उस महाभारत में तो कृष्ण और अर्जुन के सामने दुर्योधन और दुशासन थे, धृतराष्ट्र के सामने पुरु थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कृष्ण और अर्जुन ही शेष हैं। फिर महाभारत की नौबत क्यों? क्या यह कलयुग का प्रभाव तो नहीं? जरा रुकिए, दिनकर की कुछ पंक्तियां मानस पटल को मथ रही है। जी हाँ, वो कुछ ऐसी है। कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि महाभारत होने से रोक लो। अनुग्रह करते हुए कहते हैं, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जी बिल्कुल, वहां सिर्फ 5 ग्राम मांगा गया था, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। यहाँ तो सिर्फ 2 संसदीय क्षेत्र मांगा जा रहा है। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए थे, न्याय की गुहार पर कृष्ण ने करिश्मा कर दिखाया, परंतु यहाँ तो कृष्ण खुद लाचार हैं, या फिर लाचार कर दिए गए हैं। राजद का स्वयंभू कृष्ण न्याय की गुहार अपने माता पिता से और विशेष तौर पर अर्जुन से लगाने को विवश है। वास्तव में कलयुग है, मान लिया। आगे बढ़िए, अब थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। वर्तमान राजनीति वंशवाद की सियासत से आबाद है, यह सबको पता है। यह भी सबको पता है कि बड़े ही गौरव से राजनेता पिता कुछ न कर पाने में सक्षम अपने लाडले बेटों को बड़े ही बेशर्मी से अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। उन परिस्थितियों में जब उसी दल में से एक से बढ़कर एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता मौजूद रहते हैं, ठीक है, चलिए मान लिया कि यह नेताजी का विशेषाधिकार है, लेकिन सामाजिक न्याय के मसीहा को आखिर बड़े बेटे में क्या खोट नजर आया कि वे उसे स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ 2 से 3 मंत्रालय और संभालने के लायक तो समझते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लायक नहीं। पता नहीं राजनेता अपने परिवार को राजनीति का मोहरा क्यों बना देते हैं। संभवतः यही आज की राजनीति है। यह बात राजद के कृष्ण यानी तेज को भी समझना होगा कि क्या मुझमें कोई कमी है जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन इस राजनीति को भी समझिए कि तेज प्रताप को यह पता है उनके साथ जो हो रहा है उसके आधार में कौन है, लेकिन जनाब बड़ी सफाई से परिवार के कलह का ठीकरा दूसरे के माथे फोड़ रहे हैं। होना भी चाहिए, एक बड़े भाई को छोटे का बचाव करना कर्तव्य है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या लालू राबड़ी को यह बात पता नहीं थी कि जो हम कर रहे हैं उसे मुझे ही भरना होगा। खैर, यह लालू जी का न्याय क्षेत्र है। जरा सोचिए कि जिस दिन लालू प्रसाद के घर में बड़े बेटे को छोटे के सामने छोटा करने की कोशिश शुरू हो गई थी, उस दिन इस महाभारत का बीजारोपण लालू ने खुद कर दिया था।
लेकिन देखिए उस व्यवहार को तेज प्रताप ने बड़े ही सहजता से स्वीकार भी कर लिया। बात चल निकली, लेकिन जिस संस्कार की नींव रखी गई उसे और मजबूत देने की कोशिश लगातार होने लगी। यानी छोटे से घाव में मवाद भरने का काम खुद परिवार ही करने लगा। हुआ क्या, एक तरफ छोटे भाई तेजस्वी के नेतृत्व में राजद को रंग देने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ बड़े भाई तेज प्रताप स्वयं को लगातार उपेक्षित महसूस करने लगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी उपेक्षा को तेज ने बर्दाश्त करना मुनासिब नहीं समझा। फिर जो हुआ सबके सामने है। दो सीटों की मांग के बाद जोर आजमाइश में असफल तेज प्रताप ने बाजाब्ता मोर्चा ही खोल दिया। बहरहाल घर में चल रहे महाभारत पर तेजस्वी देश की दुहाई देकर बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि छोटे के द्वारा बड़े को लगातार छोटा दिखाने की कोशिश ने ही आज बड़ा रूप धारण कर लिया है। यानी पार्टी पर कब्जे की यह लड़ाई अगर नहीं रुकी तो महागठबंधन के पेट में महाकब्ज बनना तय है, जिसकी वजह से परिवार तो टूट ही रहा है, पार्टी का भी प्रभावित होना तय है। तो कुल मिलाकर यह समझ लिया जाए कि तथाकथित सामाजिक न्याय का मसीहा पारिवारिक न्याय करने में पूर्णतः विफल रहा। परिणाम स्वरूप दोनों बेटों के बीच तलवारें खिंच गई है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।